ये अटलांटिस फार्म था, तो जब उन्हें पता लगा कि ये देखकर किसी का बनाया हुआ है या कॉपी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खाने पीने के लिए भी बने। What are you eating? Ice cream. Which flavor? Strawberry. हेलो एवरीवन, दिस इज अ डे टू इन दुबई। और मैंने जैसे आपको बोला था, मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी आज। एंड मॉर्निंग में हम लोग करेंगे सिटी टूर। एंड सबसे पहली जगह जो मैं आपको लेकर जाऊंगी वो है गोल्ड सूक। दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग इज गोल्ड सूक। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पीछे का जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा ही सारा गोल्ड सूक है। एंड राइट नाउ जो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है वो है कुछ अराउंड 10:30 to 11। और इस टाइम पर अभी मार्केट इतनी खास खुली नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ अच्छी अच्छी शॉप्स अभी खुल चुकी हैं एंड थोड़ी देर में और भी बहुत सारी शॉप्स खुल जाएंगी। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस मार्केट। गोल्ड सूक इस दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। यहाँ पर आपको हर जगह गोल्ड ही गोल्ड देखने को मिलेगा। सब कुछ ऐसे ओपनली यहाँ पर पड़ा हुआ है। इतनी सेफ्टी है यहाँ पर गाइस। यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी गार्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बहुत स्ट्रिक्ट है एंड यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। सेकेंडली, आप गोल्ड की ऑथेंटिसिटी की भी कोई टेंशन ना लें, क्योंकि ये जितना कैरेट गोल्ड क्लेम करते हैं आपको उतना ही मिलेगा। ये मार्केट मतलब बेसिकली लड़कियां यहाँ पर आएंगी तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी। इतनी ज्यादा ऑप्शंस है, इतनी वैरायटी, और मुझे खुद देखकर ऐसा मन करे यार ये भी ले लो, ये भी ले लो। बट स्टिल मुझे समझ नहीं आती ये सब चीजें कौन पहन सकते हैं। बट अगर आप देख रहे हो ये ऐसा पूरा ड्रेस पीस है, ऊपर बना हुआ है, कितना हेवी है। एंड गाइस ये तो आप देख रहे हैं पूरी ड्रेस ही बनी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। टू मच गोल्ड गाइस, पता नहीं कितना ग्राम्स का होगा ये, बट बहुत ही हेवी है। एंड इसी पैटर्न के आपको ऐसे लॉन्ग लॉन्ग नेक पीसेस, जैसे वो से रानी हार काइंड ऑफ कहते हैं, वो चीज़ें भी है इधर। एंड ये से कॉइन्स कॉन्सेप्ट का भी नेक पीसेस है। एंड ये तो इनकी यहाँ की, जैसे ये ऊपर सिर पर पहना हुआ, आई डोंट नो, क्राउन काइंड ऑफ जैसे कवर कर रहे हैं। ये बिल्कुल जैसे अरेबिक लुक होती है ना, ऐसे वो अपने सिर पे ऐसे चोकर काइंड ऑफ वेयर करते हैं एंड पूरा नोज के ऊपर ऐसे कवरिंग विद द मास्क। कितना डिफरेंट लग रहा है और मतलब कितना प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार यहाँ पर। बहुत ही इंट्रिकेट से डिजाइन है, सी कितने बारीक बारीक चेक से बिल्कुल एज अ नेट काइंड ऑफ लुक दे रखी है। सो दिस इज द सेकंड स्टॉप गाइस। एंड मेरे पीछे ही जो है वो है मॉस्क। एंड इस मॉस्क को हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज हम नॉन मुस्लिम्स हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो ही अंदर जा सकते हैं, तो हम बाहर से सिर्फ यहाँ पर पिक्चर क्लिक करा सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा पास में जाके दिखाऊंगी कि ये मॉस्क किस तरीके से बना हुआ है। देखने में ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बहुत अच्छा सा हेरिटेज सा लग रहा है। एंड मैं कभी भी वैसे मॉस्क में नहीं गई हूँ। अगर मेरे को मौका मिला, मैं दुबई आई हूँ, तो आपको ज़रूर अंदर से भी दिखाऊंगी कि मॉस्क किस तरीके से होते हैं। एंड अभी ये वाला हम देखेंगे बाहर से, सो लेट्स गो देयर एंड सी इट फ्रॉम द आउटसाइड की इसका मॉस्क। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है दुबई आर्ट गैलरी। दुबई सिटी टूर करने का ये एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ का लोकल एरिया, स्ट्रीट्स एंड इनके घर देखने का मौका मिलता है। एंड ये सिटी की आप क्लीनिनेस देखोगे तो आपको हर चीज़ इतनी परफेक्ट लगेगी, बहुत ही साफ सुथरी एंड ब्यूटिफुल। हम लोग मॉस्क के बाद गए सीधा आर्ट म्यूजियम। एंड गाइस इतना बढ़िया आर्ट म्यूजियम था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर फोन्स एंड कैमराज वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, तो वी कांट शूट। बट अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ पर क्या खास चीज़ें थी, वहाँ पर उन्होंने जो रॉयल फैमिली की बहुत ही खास चीज़ें उन्होंने वहाँ पर प्रिजर्व करके रखी। इनफैक्ट आप वहाँ जाकर उन्हें परचेज भी कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको बहुत सारे इनडोर या आपको होम डेकोर के आइटम्स मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल ही हैंडमेड है, बहुत ही अच्छे आर्टिसंस और इनके जो लोकल आर्टिसंस हैं दुबई के, उन लोगों ने उन्हें बनाया है। प्लस आपको वहाँ पर कार्पेट्स की ह्यूज वैरायटी दिखेगी, बिकॉज दुबई में ना ये लोग, जैसे हम लोग इंडिया में गोल्ड गिफ्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर दुबई में एक इनका एक रिचुअल काइंड ऑफ है। जैसे एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसके जो पेरेंट्स है ना वो उसे एक कार्पेट एज अ गिफ्ट के तौर में देते हैं।
तो जो कार्पेट होता है ये नहीं कि वो सिर्फ एक कार्पेट है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल कार्पेट, उसके ऊपर पूरा आपको गोल से एम्ब्रॉयडरी करी हुई चीज मिलेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, दूर से ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर दबका एंड सरदोजी का वर्क है, बट अगर आप देखोगे तो दैट्स टोटली गोल्ड और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोन्स के साथ उन्होंने यूज किया है जिसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, मीन्स कुछ ना कुछ वो सिम्बलाइज करता है, तो मस्ट विजिट है आप वहां जाना, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब जो हम आए हैं वो है मेरा फोर्थ स्टॉप जहाँ पर हमने लिया है, वो है मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे इट्स अ जुमेरा बीच। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये पूरा जुमेरा बीच है, बहुत बड़ा अच्छा खासा बीच बना हुआ है एंड क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर दिख रहा है गाइस। यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रही है, इनफैक्ट यू कैन स्विम है, लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, बट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डेफिनेटली मैं शाम को आना पसंद करूँगी ताकि अच्छे से वेदर में यहाँ पर बहुत इंजॉय हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे ही वो है बहुत ही फेमस 7-स्टार होटल जो कि है बुर्ज अल अरब, जो कि मेरे बिल्कुल ही बैक साइड पर है। ऑब्वियसली मैं आपको थोड़ा बाहर से इसका व्यू दिखा रही हूँ एंड गाइस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच एंड बहुत मजा आने वाला है। बुर्ज अल अरब वो थोड़ा सा दूर से व्यू था तो मैं आपको बिल्कुल पास का व्यू दिखाती हूँ। ये मेरे बैक साइड पर ही है ये 7-स्टार होटल जिसे कहते हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई हैं। अब हम सीधा यहाँ से नेक्स्ट जाने वाले हैं एटलांटिस, तो वहाँ चलते हैं एंड वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। बस हम लोग कैब में बैठने वाले हैं एंड सामने मैं आपको अपनी कैब भी दिखा देती हूँ जिसमें हम लोग आए थे। ये जो आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं ये दुबई की वन ऑफ द क्वींस का पैलेस है एंड इतना सुंदर लग रहा था जब मुझे पता लगा कि ये एक पैलेस है वो भी एक क्वीन का, तो ऐसा लग रहा था कि कितना बढ़िया इनका लाइफस्टाइल होगा और कितनी अच्छी इनकी रहनी सहनी होगी। गाइस इतना बड़ा तो ये बाहर से है ही, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर से भी कितना ह्यूज होगा एंड बिल्कुल इसके साथ ही में आप बैक साइड पर देख सकते हैं पूरा है जुमेरा बीच। Now we have entered the Atlantis Palm, जो कि पूरा एक artificial island है जो क्रिएट किया गया है पूरा समुंदर के ऊपर एंड इसका व्यू अगर आप ऊपर से देखोगे तो बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है, देखने में ही बहुत सुंदर है। एंड ये जो राइट हैंड साइड पर आप विलाज देख रहे हैं ये भी यहाँ पर बने हुए हैं एंड इनमें से कुछ विलाज हैं बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी के भी, जैसे कि अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान। तो अब हम लोग आए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर जो कि है एटलांटिस फार्म। ये टोटली पूरा मैनमेड आइलैंड है गाइस, पूरे आइलैंड जो है ये बिल्कुल मैनमेड है और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से भी थोड़ा सा व्यू और आगे चल के भी क्लोजअप से यहाँ का लुक देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खाने पीने के लिए भी बने हुए हैं मोवनपिक के नाम से, स्टारबक्स है यहाँ पर एंड ये है यहाँ की एंट्रेंस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है एटलांटिस फार्म। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाती हूँ और क्लोजर लुक देखते हैं, देखने में इतना सुंदर लग रहा है और ऐसे ही कुछ गेम्स वगैरह भी यहाँ पर बनी हुई हैं मतलब खेलने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल इट इज़ गाइज, मेरे पीछे ही आप देख रहे हो एटलांटिस फार्म है। एक्चुअली मैं ये चीज़ें देखती थी गूगल पर या मैंने ब्लॉग्स वगैरह में देखे हैं बट टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर और देखने में दूर से बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं मतलब यहाँ पर बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर लोग आपको नहाते हुए भी दिख जाएंगे, स्विमिंग वगैरह भी आप कर सकते हो क्योंकि इन्होंने एक बाउंड्री टाइप बनाई हुई है मतलब वहाँ तक वाटर लेवल ठीक है तो बस उसके फार अवे आप नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि बी अवेयर ऑफ जेलीफिश सी यूर्चन्स एंड स्टिंग्रेज, जो कि अगर आप पानी में गए तो ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है नीचे, सो जस्ट बी अवेयर। वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिस्टल क्लियर होता है ना, साफ सा पानी है और पता नहीं जब बीच पे जाओ बीच के सामने इतना सूदिंग सा लगता है कि मतलब माइंड आपका बहुत अच्छा खासा काम हो गया।
एक्वा एडवेंचर पार्क भी है जहाँ पे आप जा सकते हो, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्वा पार्क है तो, और वो भी मुझे देखना है। और मैंने सोचा कि एक दिन हम वहाँ पर जरूर जाएंगे। आई थिंक वहाँ पर पूरा अच्छा खासा दिन स्पेंड हो जाता है, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज है, कुछ में तो मुझे डर भी बहुत लगता है, बट आई विल ट्राई। गौतम तो वहाँ पर गया हुआ है ना? हाँ, आई हैव बीन देयर, बट 5 साल पहले गया था। उस टाइम वो भी थोड़ा हाफ था, उसके बाद दोबारा इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके बहुत बड़ा बना दिया है। पहले वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, बट अब तो और भी बड़ा हो गया। मजा आएगा है ना, वील गो, और आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे फोन वगैरह अलाउड है। यस यस, तो चलो ठीक है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें कैप्चर करेंगे। आप पीछे का व्यू देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब देखने में ही ना मजा आ जाता है। ऐसा दुबई में आप आओगे ना, आपको हर एक चीज देखने में लगेगा कि वाह, मतलब क्या बनाई है। जो आप ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ऐसे जिगजैग सी, मतलब इसका पैटर्न बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। ये भी कुछ टाइम पहले ही बनी है, क्योंकि पहले जो अटलांटिस फार्म था, ये भी किसी ने कहा था कि ये किसी को देखकर बनाया गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा ना हो बिल्कुल एक डिफरेंस ही यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई है, जो कि इस शेप की है पीछे। ये मैंने आपको जूम करके दिखा रही हूँ, मतलब इस बिल्डिंग की जो आप शेप देख रहे हो कितनी डिफरेंस ही है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ये भी बिल्कुल आपको यही अटलांटिस फार्म के बिल्कुल साथ में दिख जाएगी। व्हाट आर यू ईटिंग? आइसक्रीम। व्हिच फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी। सो अमृत, कैसा लगा आपको अटलांटिस? बहुत सुंदर। इट वॉज योर फर्स्ट टाइम? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और बहुत ही प्यारा लग रहा था उसका व्यू पीछे से देखने में भी, एंड पास जाके देखो तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। बट मन कर रहा था अगर हम एक्वा एडवेंचर गए तो वो अंदर से आपको बहुत अच्छे से कैप्चर करके दिखाएंगे, बिकॉज उसका एक अलग मजा है। अब यहाँ पर आओगे तो बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, एंड उसके साथ ही एक जो बिल्डिंग बनी है वो भी कुछ टाइम पहले ही बनी है, एंड उसका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बाहर से देखने में डिफरेंट सी बिल्डिंग है। सो इट्स रियली नाइस। आप यहाँ पर अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हो, बहुत अच्छा सा सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। अब हम लोग अपनी कैब पे जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को अब डेजर्ट सफारी भी जाना है, तो उसका भी टाइम बुक्ड है। दैट्स 2:30 के अराउंड हमें कैब लेने आ जाएगी, तो बस हमारे पास एक घंटा ही रह गया ऑलमोस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए या फ्रेशन अप होने के लिए। सो वी गो देयर एंड वहाँ पर जाके भी कैप्चर करेंगे अच्छे से डेजर्ट सफारी को।